दिस वीडियो इज़ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक एमीटर है। अब एमीटर जो है वो किस काम आता है? इसका काम जो है वो है ये कि सिंपल आप करंट को मापने में एमीटर का यूज़ करते हैं। इसको आप इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है एसी और डीसी। आप ये चीज़ रखिए दिमाग में कि एसी और डीसी दोनों को ये करंट जो है मापता है, ठीक है, एमीटर। नेक्स्ट जो डिवाइस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक ऑडियोमीटर, ठीक है। अब जो इस ऑडियोमीटर का काम है वो क्या है? ऑडियोमीटर का काम इंटेंसिटी को मापना है। इंटेंसिटी ऑफ किसकी? साउंड, किसी भी इंसान की साउंड की इंटेंसिटी, कि वो कितना भारी या कितना इंटेंसिटी से वो कहता है, बोलता है, उस चीज़ को मापना जो है वो ऑडियोमीटर का काम है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिवाइस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एनीमोमीटर है। और एनीमोमीटर का जो काम है वो ये है कि ये हवा की स्पीड को मापने में काम आता है, गति को, हवा की गति को मापने में काम आता है। इसका एक और जो है वो काम है कि ये हवा की जो दिशा है, डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड जो है वो मापने में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिवाइस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक बैरोमीटर, और बैरोमीटर का काम जो है वो हवा के दाब को मापने में काम आता है, यानी कि प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। इसको इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर और वेदर समटाइम, यानी कि आप मौसम की जानकारी भी जो है इससे ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डिवाइस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक कंपास है, ठीक है। तो ये कंपास जो है वो किस काम आता है? ये डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ अर्थ या फिर डायरेक्शन जो है कि कौन सी दिशा किस डायरेक्शन में है ये देखने में काम आता है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब हमारे पास मैप, गूगल मैप जो है वो नहीं होते थे, तो तब ये इसी चीज़ का हम यूज़ करते थे, ठीक है। और डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट जो डिवाइस हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक गैल्वेनोमीटर है। तो और गैल्वेनोमीटर का काम जो है वो करंट को मापना होता है। अब आपके दिमाग में चीज़ उठ रही होगी कि करंट को एमीटर से भी मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर से भी। तो मैं आपको बता दूं कि गैल्वेनोमीटर से बहुत ही छोटी या फिर स्मॉल करंट्स, आप कह सकते हो स्मॉल करंट्स ही मापी जाती हैं, जबकि एमीटर से जो है वो एक नॉर्मल करंट जो है वो मापी जा सकती है, ठीक है। तो ये एक मेजर इनमें डिफरेंस। नेक्स्ट जो डिवाइस हमें स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है वो एक हाइड्रोमीटर है। और हाइड्रोमीटर का काम क्या है? हाइड्रो मींस वाटर या फिर लिक्विड आप कह सकते हो। तो जहां पर भी हाइड्रो का वर्ड आ जाता है तो वहां पे जरूर यहां पर पानी की बात हो रही है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मापने में काम आए उसे हम हाइड्रोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिवाइस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक स्टॉपवॉच है। और स्टॉपवॉच का काम क्या है? किसी भी पीरियड के, टाइम पीरियड को जब हमें नोट करना होता है तो हम एक स्टॉपवॉच का यूज़ करते हैं। आजकल जो आपकी स्टॉपवॉच है वो आपके फ़ोन्स में आपको देखने को मिलती है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको, आपकी वॉच में आपको देखने मिलेंगी, रिस्ट वॉच में। बट पहले या फिर आज भी ये फिजिक्स लैब में यही स्टॉपवॉच यूज़ में होती है। नेक्स्ट जो डिवाइस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक क्रायोमीटर है।
तो क्रायोमीटर का काम ये है कि ये बहुत ही लो टेम्परेचर को मेजर करता है। जैसा कि आप यहाँ पर डेफिनेशन में भी देख रहे होंगे कि बहुत ही लो टेम्परेचर को जो डिवाइस मेजर करे उसे क्रायोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही है ये एक मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर का काम जो है वो सभी चीज़ों को मापना होता है, जैसे कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। ये उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा उपयोग में आएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये एक ब्रेडबोर्ड है। अब ब्रेडबोर्ड भी सेम जैसे आपको मल्टीमीटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टूडेंट्स को ज़्यादा यूज़ होता है, सेम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टूडेंट ही ब्रेडबोर्ड को देख पाएगा। ब्रेडबोर्ड किस काम आता है, तो एक सर्किट को असेंबल करने के लिए ब्रेडबोर्ड जो है वो काम में आता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं ये वर्नियर कैलिपर है। और अब वर्नियर कैलिपर का क्या काम होता है, तो वर्नियर कैलिपर से हम माप सकते हैं लीनियर डाइमेंशंस की सभी चीज़ें। जैसे हमें एक छोटी सी किसी चीज़ का जब हमें उसकी लेंथ बतानी हो तो हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट हमें दिख रहा है ये एक लैक्टोमीटर, और लैक्टोमीटर जो है वो दूध का घनत्व यानी कि दूध की डेंसिटी मापने में काम आता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल रहा है ये एक थर्मामीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें डॉक्टर जो थर्मामीटर लगाता है वो तो डिफरेंट होता है, बट वो जो थर्मामीटर होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जबकि टेम्परेचर को मापने का जो थर्मामीटर है वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल रहा है वो एक माइक्रोस्कोप है, और माइक्रोस्कोप का काम जो है वो बहुत ही छोटे या टाइनी पार्टिकल्स को देखना है, जो पार्टिकल्स हमें अपनी नेक्ड आई से ना दिख पाएं, और अंडर माइक्रोस्कोप जो है हम उन पार्टिकल्स को देखते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो एक स्क्रू गॉज है। अब ये स्क्रू गॉज का काम जो है वो क्या है, जब भी हमें एक सर्कुलर या फिर आप कह सकते हो एक स्फेरिकल चीज़ का डायमीटर जो है वो फाइंड करना हो तो हम इस स्क्रू गॉज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक स्पेक्ट्रोमीटर है, और स्पेक्ट्रोमीटर का जो यूज़ है वो आपको फिजिक्स की लैब में ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ही प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को रीड किया जाता है फिजिक्स लैब्स में। जैसे कि यहाँ पर प्रिज्म वाला हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेंसेज वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बहुत से एक्सपेरिमेंट जो है वो इसी की मदद से करे जाते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है वो एक अल्टीमीटर है, और ये अल्टीमीटर आपको मैक्सिमम जो है देखने को नहीं मिलेगा नॉर्मली, क्योंकि ये जो अल्टीमीटर है ये ज़्यादातर जहाज़ों में जो है वो लगा जाता है। अभी इस अल्टीमीटर का काम क्या है, इस अल्टीमीटर का काम है एक ग्राउंड लेवल से आप कितनी ऊंचाई पर या कोई चीज़ जो है वो कितनी ऊंचाई पर जो है वो खड़ी है या उड़ रही है।